श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी, सियावर रामचंद्र की जय। आप भी चाहे तो मेरे साथ राम नाम संकीर्तन कर सकते हैं, जो लोग भी इस कथा का आनंद लेने वाले हैं। श्री राम जय जय राम। देखिए राम नाम धुन कथा में उपस्थिति दर्ज के लिए रजिस्टर में साइन होता है। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय सिद्धि करन हनुमान। कर्पात्री जी महाराज का उद्घोष, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, समस्त संतगणों की जय हो, समस्त भक्तगणों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो प्रथम तो प्रणाम करते हैं हनुमान जी महाराज को, जिनकी कृपा होती है तभी भगवत चर्चा कहने और सुनने का सौभाग्य मिल पाता है। तत्पश्चात प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं, तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम करते हैं, समस्त संतगणों को प्रणाम करते हैं, एवं कथा श्रवण करने वाले भक्त स्वरूप श्रोता स्वरूप जो हमारे भाई लोग हैं जिनके हृदय में हनुमान जी महाराज विराजमान होकर कथा सुन रहे हैं, एवं माताएं जिनके हृदय में माता पार्वती विराजमान हो चुकी हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं। आइए आज की कथा, हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया भरत जी की और पहले भाग में श्री भक्त शिरोमणि भरत लाल जी महाराज कैसे अयोध्या जी तक पधारे। वैसे तो मैं पूर्व भी कह चुका हूँ कि भरत जी का चरित कहना और सुनना दोनों अत्यंत कठिन है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं हाथ खड़े कर दिए तो हमारी क्या मजाल है कि हम लोग उसका व्याख्या कर पाएँ, लेकिन यथामति प्रयास करेंगे कि श्री भक्त शिरोमणि भरत लाल जी के चरणों में कुछ हम लोगों की वाणी भी अर्पित हो और आप लोग भी इस वैराग्य दायिनी कथा को, भक्ति दायिनी कथा को श्रवण करके लाभ उठाएं। तो मैंने चर्चा किया कि भक्त शिरोमणि भरत लाल जी अयोध्या जी आ गए और जब आए तो कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा, कोई समाचार ही नहीं बता रहा, ना समाचार पूछ रहा है, कोई कुशल छेम की कोई बात नहीं है। तो पुरजन मिल ही न कहें कछु और गवही जोहार ही जाए, भरत कुशल पूछी न सकहीं भय विषाद मन माही। भय और विषाद के कारण कैसे पूछ लें, क्या पूछ लें, क्या बता दें, या हमारी तरफ है भी, राम जी की तरफ है भी कि ये भी षड्यंत्र में शामिल है, कई संदेह पुरवासियों को भरत जी को लेकर। तो भरत जी ने देखा कि अरे सारी सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा कि उससे बैठकर चर्चा कर ली जाए। ऐसा मातम का माहौल क्यों उमड़ आया है अयोध्या पर, कोई दिख ही नहीं रहा, मानो कि लॉकडाउन लग गया हो जैसे। इस प्रकार की स्थिति अयोध्या धाम में हो गई माताओं बंधुओं, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा भरत जी को, केवल मानो कोई पिशाच आ गया हो और उसके भय से सब लोग दुबक गए हो। तो हाट बाट नहीं जाए निहारी, न रस्ते में कोई दिखाई दे रहा है, सूने रस्ते रोते रस्ते। भरत जी ने सोचा चलो बाजार चल के देखा जाए, वहाँ कुछ हो, दुकानों पे कोई बैठा हो उसी से हालचाल, और बाजार में तो भीड़ रहती है, वहाँ कुशल छेम पूछ के पता किया जाए इस प्रकार से क्यों ये भयावह स्थिति दिख रही है यहाँ पे। तो हाट माने बाजार, बाट माने रस्ते, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, बाजार भी सूने के सूने पड़े, मानो अयोध्या वासियों को किसी से मिलने की भी इच्छा नहीं है। राम जी के जाने के बाद किससे मिले और किसको अपना दुख सुनाए, वह स्थिति आ चुकी है। तो हाट बाट नहीं जाए निहारी, और जनपुर दह दिसि लागी दवारी, मानो तशु दिशाओं में अग्नि लग गई हो
और उस आग के कारण सारे अयोध्यावासी घर में धुके दुबक गए हो, छुप गए हो, या उस आग की ताप से कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, वो तपती हुई हर जगह आग भगवान श्री राम के वियोग की अग्नि है ये। तो जनपुर दह दिस लागी दुआरे दवारे, तो आवत सुत सुनी कह कह नंदनी। भरत जी ने सोचा चलो राजमहल चला जाए, वहां चल के पता किया जाए सब अपने भ्राताओं से पिताजी से क्या बात हो गई। तो माता कैकेयी को जब पता पड़ा, सुत, देखिए गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में हर जगह सुत 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 लिखा है माता कैकेयी और भरत जी के लिए, क्योंकि माता कैकेयी को अभी अपने सुत के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। पुत्र मोह में वो इतनी अंधी हो गई है माताओं बंधुओं, और मोह न अंध कीन के ही ठीक उसी प्रकार जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में ऐसे अंधे हो गए थे कि सारे हस्तिनापुर का सत्यानाश कर डाला, वैसे ही आज माता कैकेयी अपने पुत्र के मोह में इतनी अंधी हो गई हैं कि पुत्र के अलावा उन्हें कुछ दिख नहीं रहा कि क्या क्या दशा कर दी है पूरे अयोध्या जी की, क्या हो गया है, क्या विपत्ति आ गई है। वो तो आवत सुत सुनी कह कह नंदनी, और हर्षि रविकुल जल रूह चंदनी। वो तो इस प्रकार हर्षित है कि सूर्य रूपी कमल के लिए मानो चांदनी बन के माता कैकेयी उत्पन्न हुई हैं। कह कह नंदनी अर्थात कई वो सोच रही हैं कि कैकेयी राज को भी प्रसन्नता होगी मेरी इस क्रियाकलाप से जो मैंने किया है, क्योंकि शर्त तो उन्होंने रखी थी कि मेरा पुत्र राजा बनेगा, सो मैंने कर दी वो परिपाटी रच दी। और सूर्य रूपी कमल जो भरत जी हैं उनके लिए मानो चांदनी बनी हुई है माता कैकेयी, कारण रात्रि में चांदनी में कमल मुरझा जाता है। तो भरत जी रूपी कमल को मुरझाने के लिए देखिए किस प्रकार दौड़ के चली आ रही है कि हर्षि रविकुल जल रूह चंदनी, और सजी आरती मुदित उठी धाई। आरती सजाई हुई है, मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र कितना प्रसन्न होगा। मुदित उठी धाई, हर जगह लोग दुखी दिख रहे हैं लेकिन माता कैकेयी का चेहरा तो अति प्रसन्न है, मुदित है। सजी आरती मुदित उठी धाई, और द्वार ही भेंट, द्वार पे गई, गले लगा लिया भरत जी को। वाह, आरती कर रहे हैं, आओ बेटा जल्दी से अंदर आ जाओ। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि माता कैकेयी तो इतनी प्रसन्न दिख रही हैं लेकिन उसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा। जितने अयोध्या वासी दिखे थे वो तो दुखी दिखे, और राजमहल में दूर खड़े हुए खम्भों के पीछे कोई दीवार से सटकर जो भी दास दासियां हैं सबके नेत्र लाल हैं, मानो सब तड़प बिलक के केवल कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई क्या कहे, केवल प्रसन्न है तो माता कैकेयी, उनके आसपास के दास दासियों का भी चेहरा मुरझाया हुआ है। वो तो द्वार ही भेटी भवन ले आई, सजी आरती मुदित उठी धाई। आई तो भरत दुखित परिवार निहारा, देखा सारे दास दासियां सब लोग, माता ये सब लोग इस प्रकार दुखी क्यों हैं, क्या ऐसा हो गया। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। मानो कि कमल को पाला मार गया हो, ये सूर्य वंश को मानो पाला मार गया हो, उस प्रकार से जैसे कमल मुरझा जाता है पाला मार जाने पे, उसी प्रकार से सब लोग दुखी हैं, क्या हो गया। अरे सबको दुखी और चिंतित देख करके भरत जी महाराज का चेहरा भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया, विकल हो गए, क्या हो रहा है। तो माता कैकेयी ने देखा कि मेरा पुत्र विकल है, इसके चेहरा क्यों उतरा हुआ है। सुत ही ससोच देखी मन मारे, सुत ही फिर पुत्र को ससोच देख करके और इस प्रकार से दुखी देख करके उनको लगा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे नैहर में कुछ हो गया हो, हमारे मायके में सब कुशल से तो है, भरत सब कुछ ठीक से तो है। अपना घर नहीं दिख रहा माता कैकेयी को, अपना जहां वो आ गई है वो नहीं दिख रहा, और जहां से आई हैं
अपने मायके की अभी भी चिंता है, और जो ससुराल जो कन्या का घर बन जाता है उसकी, उसको सब बिगाड़ देने के बाद भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। तो सुत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। हमारे नैहर में सब कुशल से तो है, मेरा भाई मेरे पिताजी सब लोग कुशल से तो है। भरत तुम इस प्रकार, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है, कोई कोई घटना हो गई क्या वहां पे? वाह, माता केकई को यहाँ की घटना नहीं दिखाई दे रही, वहां की घटना हो गई क्या भरत? तो भरत जी ने कहा, नहीं माता, मेरे मामा युधाजित ने बहुत सारी धन संपत्ति भेंट के रूप में पहुंचाई है, और आज सातवीं रात है मुझे यहाँ पहुंचा हूँ मैं, पीछे से भेंट भी आ रही है, सब कुशल से है, सब अच्छे से है, उनकी चिंता न करो। अर्थात कहने का ये अर्थ है भरत जी का कि भैया जो हमको एकदम बुलाया गुरुजी ने, वो बताइए ना कि यहाँ सब कुशल से तो है कि नहीं? वहां तो सब है ही है, मैं तो वहां था ही था। तो सकल कुशल कही भरत सुनाई, और पूछी निज कुल कुशल भलाई। वहां की तो सब कुशल है ही माता, यहाँ सब ठीक है कि नहीं? भरत ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहा माता, इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं जब से अयोध्या धाम में प्रवेश किया हूं आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई। अयोध्यावासी तो लिपट पड़ते थे मुझे देखते ही, प्रसन्न हो जाते थे, कोई बात नहीं कर रहा। और माता मेरे भैया राम तो मेरी बाट जोहते रहते हैं सदैव कि भरत कब आएगा, भरत कहाँ है, पिताजी भी नजर नहीं आ रहे। माता कौशल्या तो मुझे इतना प्रेम करती है, आरती लेकर के आप आई, लेकिन माता कौशल्या कहीं नजर नहीं आ रही, पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहतात कहा सब माता, कहाँ पिताजी हैं और सारी माताएं कहाँ हैं, माता कौशल्या क्यों नहीं दिखाई दे रहे? माताओं बंधुओं, माता कौशल्या क्या दिखाई दे, क्योंकि माता कौशल्या भरत जी के सामने अपना दुखी मुख लेकर के जा नहीं सकती, और झूठा बनावटी प्रसन्नता अपने चेहरे पर ला नहीं सकती। क्या दिखाएं, क्या बोले कि मेरे राम चले गए भरत, और क्या दशा हो गई, आपके पिताजी भी चले गए। माता कौशल्या तो जब से राम जी गए हैं ना, अपने भवन में उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अभी भरत जी मिलेंगे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो क्या स्थिति है माता कौशल्या की, उठने तक की स्थिति नहीं है अपने पैरों पे। वो बेचारी आके क्या मिलती भरत जी को? भरत जी माता केकई से पूछते हैं, बात बताओ माता, कहू कहता तो कहा सब माता, और कहा सी राम। माता जानकी नहीं दिखाई दे रहे, मेरे भैया राम नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? कहा सी राम लखन प्रिय भ्राता, और मेरा प्राणों से प्यारा भाई लखन नहीं दिखाई दे रहा, ये कहाँ गए? भैया राम कहाँ गए? लक्ष्मण जी कहाँ हैं? हमारी माता जानकी कहाँ है? जब इस प्रकार से भरत जी ने पूछा तो सुनी सुत बचन स्नेह मैं, फिर सुत, देखिए केवल पुत्र मोह है, उनको अपने पुत्र के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि राम जी कहाँ चले गए, लखनलाल कहाँ चले गए, अरे मेरे पतिदेव कहाँ चले गए, कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा। तो सुनी सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरी नैन, आंखों में झूठा मूठा आंसू लेकर के, अरे भरत मैं तुमको क्या बताऊं, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। भरत जी के कानों और मन को बाणों की तरह चुभने वाले, वज्र की तरह कांटे की तरह चुभने वाले वचन माता केकई ने आंखों में नकली आंसू, जिसे अंग्रेजी हम लोग कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छी आंसू, तो उस प्रकार कपट नीर भरी नयन, आंखों में नकली झूठ मूठ आंसू लेके कहती है, भरत आप बेटा तुम्हें इनमें से किसी की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें राम जी से कोई तुमको लाग लपेट करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी माता ने तुम्हारी अनुपस्थिति में सारा काम बना दिया भरत, तुम चिंता मत करना। तात बात मैं सकल सवारी, मैंने सब बना दिया भरत, बिल्कुल चिंता न करना, ना लक्ष्मण से कोई चिंता है, ना जानकी जी से, ना राम जी से ही।
तात बात मैं सकल सवारी और भाई मंथरा सहाय बिचारी। और भरत मैंने ही अकेले नहीं बनाया, मैं जानती हूँ कि तुम बड़े प्रसन्न होगे अपनी माता के ऊपर जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था कर दी है। लेकिन सुनो सुनो, मैंने अकेले ही नहीं किया है, वो मंथरा जो मेरी दासी है ना भरत, उसने भी मेरी बड़ी मदद की है, उसका भी ध्यान रखना तुम, हाँ। वो भी तुम्हारे लिए बेचारी बड़ी चिंतित थी, अरे उसने ही तो मुझको ये सब उपाय बताया है, तो करने वाली तो मैं हूँ, लेकिन साथ में मेरी एक सहायक भी है, उसको भी तुम पूर्ण कृपा रखना अभी जब राजा बन जाओ तो। मन में सोच रही है माता के कई कि तात बात मैं सकल सवारी और भाई मंथरा सहाय बिचारी, कछु काज विधि बीच बिगारे, बना तो मैं सब देती भरत, लेकिन भगवान भी क्या है कि उनको सब कुछ नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ ही देते हैं प्रभु। ये बात आज भी बिल्कुल यथार्थ हो गई भरत, सब कुछ बनते बनते जैसे हम लोग कहते ना कि हाथी निकल गया, भरत केवल पूंछ रह गई, वही बस एक खेद है, उसके अलावा तो सब बन गया। देखिए माता कैकेयी की मति कितनी अभी भ्रमित है, पुत्र मोह में वो किस प्रकार अभी पागल है, या यूं कहें माता कैकेयी की। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस पूरी कथा में ना कोई दोषी है और ना कोई ठीक है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जे ही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि चरण होए। माता कैकेयी की कोई दोष नहीं है वैसे देखा जाए, आगे हम लोग अगर भगवान की कृपा रही तो चित्रकूट की सभा में प्रभु श्री राम ने स्वयं इस बात को कहा है कि दोष देई जननी जड़ तेई जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। तो ये हम लोग चर्चा करेंगे, माता कैकेयी के ऊपर तो वैसे ही देव माया और माता सरस्वती आके बैठी है, देवताओं की माया लगी है, तो इसलिए कोई ऐसा मत समझे, किंतु कथा और उपदेश देने के लिए अभी जो चर्चा चल रही है उसमें तो माता कैकेयी की भ्रमित बुद्धि एक उपदेश देने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कैसी भ्रमित बुद्धि है आज उनकी, कह रही है भरत मैंने अपने पुत्र को राजा बना दिया, ये बहुत बड़ा काम मैंने कर दिया, सब कर दिया मैंने, सब कुछ हो गया, और उसको करते करते में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो कुछ थोड़ा सा खोया कि मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरे पतिदेव नहीं रहे, ये कुछ बिगड़ा। वाह, एक स्त्री के लिए अपने सुहाग से अधिक कुछ होता है क्या, आप बताइए। अमित धान दान भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेव न देही। अब एक एक स्त्री के लिए, पतिव्रता स्त्री के लिए उसके सौभाग्य से ज्यादा तो और कुछ भी नहीं होता है इस संसार में। माताओं बंधुओं, हमारे यहाँ सती सावित्री की कथा तक आती है जो यमराज तक से भिड़ गई अपने पति के प्राणों के लिए। तो कहने का ये अर्थ है कि माता कैकेयी का दोष नहीं है, अभी बुद्धि उनकी भ्रमित हो गई है। तो बोले क्या कि इतना सा बिगड़ा भरत, थोड़ा सा। बोले क्या बिगड़ा, कहा यह बिगड़ा कि वो कछु काज विधि बीच बिगाड़ो कि भूपति सुरपति पुर पग उधार्यो। जो राजा जी थे ना वो नहीं रहे, बस बाकी तो मैंने सब बना दिए, बस इतनी सी हो गई बस कि वो राजा जी चले गए, राजा जी सब करने करने में वो चले गए बेचारे, बाकी सब हो गया। भूपति सुरपति पुर पग धार्यो तो सुनत भरत भय बिबस विषादा। क्या माता पिताजी नहीं रहे, तात नहीं रहे, सुनत भरत भय बिबस विषादा और जनु सह में करिके हरिनादा। कुछ बोल ही नहीं पाए, मानो सहम गए चक्रवर्ती सम्राट का देहावसान सुन के कि ये मैं क्या सुन रहा हूं, माता ये किस प्रकार से आप क्या बोल रही हैं, पिताजी नहीं रहे, कुछ बिगड़ा। जनु सह में उकर के हरिनादा और गिर पड़े, मूर्छित हो गए इतनी बात सुन के भरत जी महाराज। अरे पिताजी, अरे पिताजी, अरे पिताजी आप कहाँ चले गए, तात तात हाँ तात पुकारी और परे वो भूमि तल व्याकुल भारी। और इस प्रकार से परे वो भूमि तल भरनितल व्याकुल भारी, ऐसे गिर गए व्याकुल होके, हे तात हे पिता हे पिताजी कहाँ हो कहाँ चले गए। अरे चलत न देखन
पायूं तो ही। पिताजी एक कार्य आप मेरा अधूरा रह गया जीवन भर। हम लोग कहते हैं ना वो एक वो जगजीत सिंह जी कह गए कि हर वक्त है अब ये गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। सबका ये दुख होता है। भरत जी कह रहे हैं पिताजी इतना अनर्थ हो गया, आप चले गए और मैं केकई राज में था, आपको जाते जाते भी आपके अंतिम दर्शन न कर पाया, ये जीवन भर मुझे मलाल रहेगा, मुझे दुख रहेगा, इस बात का कष्ट रहेगा, एक अधूरा रह गया ये कि आपके दर्शन नहीं कर पाया। और पिताजी एक बात का आपको भी अफसोस अवश्य होगा जाने के बाद, क्या आप भी एक काम नहीं कर पाए पिताजी, आपने आप चले गए पिताजी और क्या नहीं हो पाया मेरी तरफ से। बोले चलत न देखन पायूं तो ही। और पिताजी आपकी तरफ से कि तात न राम ही सौंपे उमोही। आपने मुझे भैया राम को सौंप करके क्यों नहीं गए पिताजी, अब मेरा कौन ध्यान रखेगा, मैं मुझे तो किसी की देखरेख की आवश्यकता, मैं तो बालक हूं, आप मेरा ख्याल रखते थे या भैया राम मुझसे प्रेम कर, उनको तो मुझे सौंप के चले जाते, भैया भैया राम कहाँ चले गए, माता आप मुझे ये संदेश देने आ रही हैं, इस समय तो भैया राम को मुझे गले से लगा लेना था, मुझे सबसे अधिक भैया राम के कंधों की आवश्यकता थी माता, इस समय वो कहाँ गए, वो क्यों नहीं सामने है। तो चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। तो क्या हुआ कि बहुरी धीर धरी उठे संहारी, उठे किसी प्रकार से, माता क्या हो गया था। मैंने कल भी चर्चा की, जब कोई चला जाता है तो यही प्रश्न करता है व्यक्ति कि कैसे ऐसे कैसे चले गए, क्या हुआ यह तो बताइए माता, क्या कारण था पिताजी के जाने का। तो बहुरी धीर धरी उठे संहारी और पूछा कह पितु मरण हेतु महतारी, क्या हुआ था माता, पिताजी क्यों इस प्रकार अचानक चले गए, वो तो बिल्कुल स्वस्थ थे, ऐसी कौन सी बात हो गई माता। तो माता केकई ने बोला बेटा दरअसल बात ये थी कि पिताजी इसलिए चले गए क्योंकि उनको श्री राम से बड़ा प्रेम था। माता केकई ने इस बात की चर्चा की है, हम लोग उस प्रसंग को तो अभी नहीं हो पाए, हम लोग भरत चरित्र की चर्चा करेंगे श्री भरत लाल जी की, लेकिन कहा था श्री राम से कि सुनहु राम सब कारण हो, राजा ही तुम पर बहुत सने हो, राजा जी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो आज माता केकई ने कहा कि दरअसल बात ये थी बेटा कि वो राम जी से बड़ा प्रेम करते थे और राम जी को वनवास जाना पड़ा। देखिए क्या बात है, क्या वनवास जाना पड़ा। आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मनु बरनी। प्रसन्नता से बता रही है सुनो तो, अब तुम वो तो मैंने बिगड़ा हुआ काज बताया तो दुखी हुए, अब संवारा हुआ काम बताऊंगी भरत तो तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाओगे, तुम्हारा दुख छू मंतर हो जाएगा, अब सुनो क्या किया। बोले क्या हुआ, बोले दरअसल बात ये थी बेटा कि पिताजी राम जी से प्रेम करते थे और राम जी को वनवास जाना पड़ा। माता राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा। अरे बेटा क्योंकि मैंने यह वचन पिताजी से लिया था कि राम जी को वनवास हो। तो वनवास से क्या अर्थ है माता। बेटा जब तक राम जी वनवास नहीं जाते तो तुम्हारा राज अभिषेक कैसे होता, तुम्हारे राज अभिषेक के लिए मुझे राम जी को वनवास भेजना पड़ा और राम जी के वनवास जाते ही पिताजी का देहावसान हो गया, अर्थात पिताजी के देहावसान का कारण राम जी का वनवास और तुम्हारा राज तिलक है कारण राम जी का वनवास, अर्थात राम जी के वनवास का कारण भी आप विचार करिए इस बात को कि राम जी के वनवास का कारण भी भरत जी का राज तिलक और एक तरीके से पिताजी के स्वर्गवास का कारण भी भरत जी का राज तिलक। तो भरत जी ने जब यह बात सुनी कि माता यह सारा संकट ये सारे दुख के पीछे कहीं ना कहीं मैं ही हूँ और मैं इस प्रकार से आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हो गया क्या हो गया,
अब मुझे समझ में आया कि अयोध्या वासी जो मेरे लिए पलक पावड़े बिछा करके खड़े रहते थे, वो मेरा चेहरा भी क्यों नहीं ठीक से देखना चाह रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि ये दास दासियां दुखी क्यों दिख रहे हैं माता, और कोई माता क्यों नहीं मुझसे मिलने आ रही है। तो सुना क्या, इन सब का कारण राम जी का वनवास और उसका कारण मैं, तो भरत ही बिसरे ओ पितु मरण। ध्यान दीजिए, जब किसी दुख के ऊपर और बड़ा दुख आ जाता है ना, तो वो पहले वाले दुख को कुछ समय के लिए भुला देता है, हमेशा के लिए नहीं भुलाता। दुख तो दुख है, लेकिन उस पे बड़ा दुख आ जाता है, जैसे जैसे गति गीध की देखी दया निधि को सुधी सीय के शोध की जाती रही। जब प्रभु श्री राम ने गीधराज जी को उस प्रकार से देखा, जब रावण ने मूर्छित कर दिया था गीधराज जी को और गोद में प्रभु ने उठाया, तो उस क्षण माता जानकी के लिए विकल होके घूम रहे थे, किंतु वो भूल करके और गीधराज जी के लिए रोने लग गए। प्रभु जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। जैसे प्रभु श्री राम सुग्रीव के दुख को सुन करके अपने दुख को कुछ समय के लिए भूल गए थे, तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी प्राण प्रिया बिसराई। और जैसे लक्ष्मण जी महाराज को मूर्छित मेघनाद के बाण से लगा हुआ देखने के बाद भी एक चिंता उनको, रन परी बंधु किंतु विभीषण ही को सोच हृदय अधिकाई। तो उसी प्रकार से होता क्या है कि व्यक्ति को जब अधिक दुख एकदम से सामने दिखता है तो प्रथम वाला थोड़ा सा बिसर जाता है कुछ समय के लिए। तो भरत जी ने जब सुना, क्या माता, इस सब प्रपंच के पीछे कारण मैं ही हूं, तो भरत ही बिसरे ओ पितु मरण, सुनत राम बन गौन। भैया के भैया वनवास चले गए, भैया है ही नहीं यहाँ पर, और वो केवल मेरे कारण। तो हे तू अपन पाऊ जानी जिया, थकित रहे धरि मौन। भरत जी महाराज तो मौन हो गए, पहले सहम गए थे वचन सुन के, लेकिन अब तो मौन ही हो गए कि क्या कहें, अब कोई वचन ही नहीं कहने को, क्योंकि हेतु अपन पहुंचा लीजिए, मैं ही इसका हेतु था माता। चुपचाप जिस प्रकार बस सोच रहे हैं भरत जी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो क्या हुआ कि माता ने जैसे ही देखा भरत जी महाराज को इस प्रकार, तो विकल बिलोक सुत ही समझावती। माता फिर समझाने लग गए, अरे भरत तुम किस बात के लिए दुखी हो रहे हो, पिताजी चले गए ना इसलिए। विकल बिलोक सुत ही समझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। मानो कि कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़क दिया, वो कहावत है कि भरत जी को विकल देख करके, चुप देख करके, मौन देख करके समझाना प्रारंभ कर दिया। अरे तुम क्यों चिंता करते हो, पिताजी के बारे में सोच रहे हो ना। माता को अभी भी यह बात विचार में नहीं आ रही कि वो राम जी के लिए दुखी हैं, कि राम जी को आपने वनवास दे दिया जिस कारण पिताजी चले गए हैं। क्या कह रही, तात राव नहीं सोचे जोग। राव के बारे में क्यों सोच रहे, पिता के बारे में क्या सोचना, राम जी की तो बात ही नहीं कर रही माता के कही। तात राव नहीं सोचे जोग, और बढ़ई सुकृत जस कीन है उभोग। अरे उन्होंने पुण्य किया और भोग किया, उनकी बात क्या सोच सकते हो, पिता के बारे में विचार कर रहे हो ना तुम, तो पिता के बारे में मत सोचो भरत। दुख तो मुझे भी है, लेकिन पिताजी के लिए मैं यही विचार करके शांत हो गई, धैर्य रख लिया कि उन्होंने पुण्य किया और उसका भोग भी किया, कि जन्मत सकल सुकृत फल पाए। अरे जब तक जीवित रहे, चक्रवर्ती सम्राट बन के रहे, चारों तरफ देवता भी उनके सामने, इंद्र तक आगे आकर के सिंहासन दिया करते थे, और बड़े बड़े देवता भी उनका रुख ताका करते थे, तो ऐसे तुम्हारे पिताजी उनके बारे में क्या सोच रहे, पिताजी के बारे में सोच रहे हो क्या। तो जन्मत सकल सुकृत फल पाए, और अभी भी कोई ऐसा थोड़ी हुआ है,
अंत अमर पति सदन सिधाए। और अब तो वो चले गए हैं, अब तो इंद्र के यहाँ अमरावती में हैं, तुम उनके बारे में क्यों इस प्रकार से सोच रहे हो? पिताजी के बारे में मत सोचो। अस अनुमान सोच परिहरो और सहित समाज राजपुर करो। जब कहा भरत जी से कि देखो पिताजी तो अंत अमरपति सदन सिधाए, क्यों उनकी चिंता कर रहे हो? तुम तो ये सारा सोच त्याग करके और राज करो, राज की तरफ। लोभ, ये लोभ है। तुम राज को देखो, राजघाट को देखो, जिसके लिए इतना प्रपंच हुआ है। कहा तुम अब ये सब सोच त्याग दो, जो होना था हो गया। तो जब इस प्रकार कहा तो धरी धीरज पुनि ले उसासा। भरत जी महाराज ने धीरज रखा, कुछ सांस ली और सबसे पहला शब्द यदि माता कैकेयी को कुछ कहा है उन्होंने, तो क्या किस नाम से संबोधन कर रहे हैं? अब जो माता थी, जो सुत 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 कह रही थी, उनको क्या कहते हैं? धारी धीरज पुनि ले उसासा, कि पापिनी सब ही भाति कुल नासा। सारा सत्यानाश कर दिया वंश का। अरे पापिनी, ये तूने क्या किया? पेड़ काटी तय पाले उसी चा। कभी ऐसा हो सकता है कि पेड़ काट दो और पल्लव को सींचो, यानी पत्ते को सींचो? प्रभु श्री राम पेड़ है और मैं उस वृक्ष का पल्लव हूं, मैं वृक्ष के बिना स्वयं जीवित नहीं रह सकता। ये कैसा अर्थ कर दिया तुमने माता? पेड़ काटी तय पाले उसी चा और मीन जियन नीति बारी उली चा। और ऐसा किया माता तुमने कि मछली को जीवित रखने के लिए पानी उलीच दिया। प्रभु श्री राम जल है और मैं मीन हूं उस जल का, मेरे तो प्राण है प्रभु। ये क्या अनर्थ कर दिया माता तुमने? ये किस प्रकार से तुमने ये सब कर दिया? कि हंस बंस दशरथ जनक, क्या सोचा था तुमने? हा, क्या सोचा था? दिनकर वंश पिता दशरथ से, राम लखन से भाई। और जननी तू जननी तो कहाँ कहो, विधि के ही खोरी न लाई। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई। मैं तो इतना प्रसन्न होता था कि सूर्य वंश में जन्म हुआ है मेरा, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी मेरे पिता हैं, क्या जाने क्या पुण्य किया होगा। राम लखन जैसे मेरे भाई हैं, ऐसा परिवार। लेकिन आपने अभी कहा ना कि विधाता कुछ कमी छोड़ देता है, तो माता जननी तो जननी भाई, विधि के ही खोरी न लाई। विधाता किसमें कमी नहीं देता, दोष नहीं देता माता। आज मुझे समझ में आ गया कि आप जैसी जननी मिल गई, अगर ऐसा ही था जौ पे कुरुचि रही अति तो ही, तो जनमत काहे ना मारे मोही, पेड़ काटी तय पाले उसीचा। इतनी ही कुरुचि थी तो जन्म लेते ही मार देती माता। इस अपयश के साथ मुझे जीवित रहना पड़ेगा, कितना घोर अपराध तुमने कर दिया। उससे कम अपराध था कि नवजात शिशु का वध कर देती, अब जीवन भर मुझे ये कष्ट सहना पड़ेगा। तो विधि के ही खोरी न लाई। माताओं बंधुओं, ये हम लोगों ने भाग भरत जी के चरित के दूसरे भाग का जथामति मैंने प्रयास किया। आशा करता हूँ वैराग्यदायिनी कथा है, मैं जैसे कहता हूँ आपसे, परिवार में किस प्रकार प्रेम रहना चाहिए। भरत जी त्याग मूर्ति हैं और उनकी कथा जथामति मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को आनंद आए।